दोस्तों इंटरनेट दुनिया भर में फैला हुआ है और देखा जाए तो दुनिया की सभी चीज़ें, चाहे एजुकेशन हो, बैंक हो, कम्युनिकेशन हो, सभी चीज़ें कहीं ना कहीं इंटरनेट से कनेक्टेड है। अब ऐसे में आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आता होगा कि यार इतनी इनक्रेडिबल चीज़ इंटरनेट कैसे बनी होगी, मतलब किसने बनाया होगा इसे, कैसे डिस्कवर हुई होगी। साथ ही आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि जो इंटरनेट है ये काम कैसे करता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इन सभी टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं आसान भाषा में, तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों इंटरनेट की शुरुआत होती है कोल्ड वॉर से। 1960 से 70 के टाइम में चल रहे कोल्ड वॉर में अमेरिका ने सोचा क्यों ना एक ऐसा नेटवर्क बनाया जाए जो ज़मीन के नीचे से हो, ताकि अगर विस्फोट की वजह से हमारे नेटवर्क लॉस्ट होते हैं तो भी इस नेटवर्क की मदद से हम अपने हेडक्वार्टर से कनेक्ट रह सके। तो अमेरिका ने इसके बारे में सोचा और अपने साइंटिस्ट और रिसर्चर्स से मिलकर डिस्कशन किया और फिर उन्होंने एक एजेंसी को लॉन्च किया और उसे ये काम दिया। उस एजेंसी का नाम था आरपा। आरपा ने कुछ ही टाइम में इस नेटवर्क को बना दिया और उस टाइम पे इंटरनेट को नाम दिया गया आरपानेट। आज जिस नेटवर्क को आप इंटरनेट के नाम से जानते हो उसका जो स्टार्टिंग का नाम था वो था आरपानेट, जिसका मतलब था एडवांस रिसर्च प्रोग्राम एजेंसी नेटवर्क। तो बेसिकली ये जो नेटवर्क बनाया गया था इसका मेन मुद्दा था कोल्ड वॉर, कि कोल्ड वॉर में अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम इस नेटवर्क का यूज करेंगे। लेकिन बेसिकली ऐसी सिचुएशन हुई नहीं और इसका यूज उस बिहाब पे नहीं हो पाया। तो फिर इसका यूज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हुआ और कुछ टाइम बाद इसे पब्लिकली कर दिया गया। पब्लिकली होने के बाद जो कंप्यूटर्स हैं वो लैन केबल की मदद से कनेक्ट होना स्टार्ट हो गए। अब पब्लिकली होने के बाद जब बहुत सारे लोग वहां पे आ रहे थे तो एक बहुत बड़ा इशू वहां पे आने लगा कि यहाँ पे जो पार्टिकुलर लोग आ रहे हैं, जो अलग अलग लोग आ रहे हैं, उनको एक एड्रेस जरूरी था, एक डोमेन जरूरी था। तो उस टाइम पे टीम बर्नर्स ली ने WWW का इन्वेंट किया, जिसके बाद डोमेन डिस्क्राइब होना स्टार्ट हो गया। अब आज के टाइम में अगर आपको फेसबुक पे जाना है तो आप क्या लिखते हो, www.facebook.com, तो वो फेसबुक का एड्रेस है। अगर आपको यूट्यूब पे जाना है तो आप लिखते हो www.youtube.com, वो यूट्यूब का एड्रेस है। तो डोमेन के बाद हर एक प्लेटफॉर्म को एक एड्रेस मिलना शुरू हो गया और उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोर होना स्टार्ट हो गया। अब दोस्तों इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि जो इंटरनेट है ये काम कैसे करता है, मतलब ये इंटरनेट आप तक पहुंचता कैसे कैसे। देखो बेसिकली आधे ज्यादा लोग ये मानते हैं कि जो इंटरनेट है वो चलता है सैटेलाइट से प्रॉपर वे में, तो ऐसा नहीं है। देखो इंटरनेट चलता है फाइबर ऑप्टिक केबल से और ये जो फाइबर ऑप्टिक केबल है ये दुनिया भर में जमीन के नीचे बिछी हुई है। अब यहाँ पे ये जो फाइबर ऑप्टिक केबल का चक्कर है ये तीन बिहार पे, यहाँ पे तीन तरीके की कंपनी होती है, एक होता है Tier 1, एक होता है Tier 2, एक होता है Tier 3। आपको बताया कि पूरी दुनिया के चारों ओर क्या है, पानी है। तो जो Tier 1 कंपनी है, जो सबसे हेड है, उसने क्या किया कि समुद्र में चारों ओर ये जो फाइबर ऑप्टिक केबल है ये बिछा दिया। अब इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे आती है Tier 2 कंपनी। तो ये जो समुद्र में ये तो चारों ओर बिछा हुआ है, जो मेन मालिक हो गए यहाँ पे, अब उन्होंने अपनी कंट्री में वो जो फाइबर ऑप्टिक केबल का कनेक्शन है वो लेना स्टार्ट किया। तो जो Tier 2 कंपनी है वो आपकी कंट्री के अंदर में जो तार बिछाती है वो होती है Tier 2 कंपनी, और जो Tier 3 कंपनी है, जो आपकी सर्विस प्रोवाइडर होती है, जो आपने नोटिस किया होगा जिनसे आप वाईफाई कनेक्शन लेते हो, वो होती है Tier 3 कंपनी। तो इस तरीके से एक प्रोसीजर होता है और फिर आपको जो इंटरनेट है वो मिलता है। तो काफी लंबा प्रोसीजर है लेकिन रियलिटी यही है कि जो भी आपको ये इंटरनेट मिल रहा है वो फाइबर ऑप्टिक केबल से मिलता है और ये फाइबर ऑप्टिक केबल दुनिया भर में जमीन के नीचे बिछी हुई है और इसी की वजह से आपको इंटरनेट मिलता है। तो आई होप कि दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको पसंद आई हो। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही दोस्तों कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।